हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस थेरी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी भी हूँ नहीं भी हूँ। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और आज हम जा रहे हैं वापस अपने घर। कियारा जा रही है अपनी दादी के घर, तो अभी कियारा के दादू और ताऊ जी आए लेने के लिए। अभी पहुँचे हैं वो, उनको 1 घंटा हो गया, लगभग 2 बजे समथिंग पहुँच गए थे वो। तो अभी चाय नाश्ता हो गया, खाने की तैयारी हो रही है। खाना तैयारी है ऑलमोस्ट, बस फुलके बनेंगे और मुझे बस अभी चेंज करना है। लेकिन अभी कियारा रो रही थी, उसको सुलाया है और ये उसके कपड़े और शूज़ वगैरह निकाल के रखे हैं जो पहन के जाएगी वो। और अभी ना मुझे देखो कितना गंदा हो रहा कमरा, ये सब सामान मतलब अभी पैकिंग, ये जो बैग रखा है ना ये क्या रखा है, अभी तक पैकिंग नहीं हुई, सब ऐसे फैला पड़ा है। पता नहीं मन अजीब सा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, थका थका सा लग रहा है, जाने का शायद मन नहीं कर रहा इसलिए ये सब हो रहा है। तो डैडी की हो रही है तबीयत ख़राब ज़्यादा, उनको अभी बोतल लगी है। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, थोड़ा पैर में उनकी चोट लग रही थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया है। बाकी तो मम्मी डैडी को चली रही है प्रॉब्लम, लेकिन अभी प्रेजेंट में डैडी को ज़्यादा है, उनको अभी बोतल लगी है। बोतल भी दिखा दूँगी आपको। और मम्मी के पैर में चोट लगी है, वो भी बस कर रही हैं काम जैसे तैसे। तो अभी ना मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, थका थका सा। चलो मैं अभी फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए, आज ना ऐसा हो रहा है मेरे बाल कितने ख़राब हो रहे हैं, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं किया अपने फेस पे, कुछ नहीं अपने मुंह पे, कुछ नहीं, सॉरी फेस पे कपड़े उपड़े कुछ भी चेंज नहीं करे, कुछ नहीं करा। तो अभी मैं एकदम पहले आप लोगों को मैं सब सामान दिखा देती हूँ कि कैसे सारा भाजड़ फैली पड़ी है। अभी सब समेटना है मुझे, कह रहा है सो गई है, जल्दी जल्दी करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो गाइस कुछ सामान ये पड़ा है जो कि ये भी रखना है, रखा ही गया है, सब ऐसे पड़ा है। और एक ये पूरा सामान, ये देखो अटैची पूरी ऐसी खुली पड़ी है, उधर कियारा सो रही है। और बाकी मैं बाहर दिखाती हूँ एक बार, ये देखो ये सब सामान ऐसी, इसका टॉवल टॉय सब ऐसी फैला पड़ा है। इधर ये वैसा सामान है, इसके प्लो वगैरह हैं, इसमें कंबल वगैरह हैं, ये सब ऐसे फैला हुआ है। अभी चलते हैं बाहर दिखाती हूँ। और ये देखो कैसे सोए पड़े महाराज, ये सब इसके कपड़े, उधर भी सब ऐसे फैला पड़ा है। अभी ये रूम बिल्कुल फैला हुआ है, अभी सब खाली हो जाएगा। चलो एक बार बाहर दिखाती हूँ किचन में क्या क्या हो रहा है। अभी ये स्ट्रोलर भी रखना है, इधर कुछ नहीं है, इधर सिर्फ कियारा के टॉयस वगैरह पड़े हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर पड़े हैं हम मम्मी और सानू लग रहे हैं किचन में। तो ये चाय नाश्ता हो चुका है, ये सैलड कट रहा है, इधर ये रायता बन रहा है, पनीर बन गया है और ये दोनों लगे पड़े हैं किचन में। अभी हम चलते हैं क्योंकि हमें ना जो है बहुत काम है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मेरा क्या क्या सामान अभी फैला, मेरा क्या क्या सामान अभी फैला हुआ पड़ा है, मेरा सामान अभी नहीं लगा है। तो ये है मेरी अटैची, ये देखो पूरी ऐसी रखी है, अभी इसमें भी सामान नहीं लगा, अभी लगाऊंगी। ये सब इधर फैला हुआ पड़ा है, ये भी समेटूंगी। पहन के क्या जा रही हूँ वो भी दिखाऊंगी आपको। पहले ये देखो मेरी अटैची सब ऐसी रखी है, अभी ये भी मतलब ये भी अभी मेरी अटैची पैक नहीं हुई है। और ये रही मैं, हाँ फीलिंग सो टायर्ड गाइस। चलो यार जाना तो है ही, क्या करें, पर मन नहीं कर रहा जाने का, एक्चुअली बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, बिल्कुल इतू सा भी मन नहीं कर रहा, इतू सा भी जाना पड़ेगा। चलो बाहर चलते हैं। तो बाय बाय। ये मेरे डैडी की ना, ये मेरे डैडी की पुरानी फ़ोटो है, देख लो आप लोग, जब मेरी डैडी की शादी हुई थी उसके बाद, नहीं शादी से पहले की फ़ोटो है मेरे डैडी की। तो अभी चलते हैं बाहर एक बार फिर से। अभी ये स्टोलर भी जाएगा, इसको भी बंद करके रखूँगी। उधर रूम में बैठे हैं पापा वापा सब, मुझे लग रहा कहीं गए हैं, बाहर नहीं है, हमारी वाली गाड़ी नहीं है, ये वाली गाड़ी तो पापा लेके आए हैं,
ये तो पापा जी की गाड़ी है, लेकिन हमारी वाली गाड़ी नहीं है। इसका मतलब वो लोग सब कहीं गए हैं। ओहो, क्यारा के कपड़े गिर गए, मैं वो उठा के लाती हूँ। तो चलो चलते हैं गाइस, क्यारा के कपड़े उठा लूँ यार, नीचे पड़े हैं। अभी दिखाती हूँ मैं उनका रूम, जिस रूम में वो लोग बैठे थे। अरे मम्मी डैडी कहाँ हैं? मम्मी डैडी कहाँ हैं? डैडी और वो सब यहाँ पे हैं। डैडी और वो लोग कहाँ गए सब? कोसी। अच्छा, मैं तभी तो कहूँ हमारी वाली गाड़ी नहीं है। गाइस वो लोग गए कोसी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, वो काम चल रहा है ना, उसको देखने के लिए गए हैं। विशाल वहाँ पे बेचारा लगा हुआ है। और ये वाला रूम में सब लोगों ने चाय नाश्ता किया है। यहाँ पे बैठे हुए थे सब, तो अब मैं क्या बताऊँ गाइस, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। मतलब अभी मेरे को जाना ही जाना है, ये मुझे पता है, कोई ऑप्शन नहीं है बिना जाने का। फिर भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है, कुछ ना कुछ सामान तो छूटने वाला है, ये तो पक्की बात है। मैं चलती हूँ पहले पहले ना वो करती हूँ, पहले अपने बालों में कॉम्ब वगैरह करती हूँ, क्यारा सो रही है तब तक, और जो उसका सामान है वो रखती हूँ। अब देखो रखना तो है ही, जाना तो है ही गाइस। चलो चलते हैं, देख लो आप मेरे व्लॉग में ये वाला क्यारा की नानी का हाउस, क्यारा की नानी हाउस देख लो आप, फिर अब तो दादी हाउस देखा करोगे। ये उसके टॉयस पड़े हैं सब। चलो भैया, मेरा पर्स, ये मेरा नन्ना सा बेटा। क्यारा जा रही है तो अब नानू के साथ थोड़ी देर घूम कर आएंगे, फिर ये अपने दादू के घर चली जाएंगे। चलो बाय बाय। मैं दिखाती हूँ दीदी का लगेज पैक हो चुका है, ये दीदी की तो अटैच ही है, फुल भरी पड़ी है। और अभी और भी लगेज है जो अंदर से आने वाला है, बाहर में आपको सब चीज़ें शो करूँगी, आप बने रहें। गाइस लविदी अपनी पैकिंग कर रही हैं, कुछ रह ना जाए, क्यारा को कुछ छूट ना जाए, सबसे बड़ी बात है। नन्नू का कुछ नहीं रहना चाहिए, सब क्या छूट जाता है। कोई बात नहीं, आप देख लो डायपर भी ये रखे, काफी सारे टेडी बियर रख लिए। तो गाइस मैंने पहना है ये सिंपल सूट, और मेकअप वगैरह कुछ नहीं करा, सिंपल सा बस, क्योंकि ट्रेवल में ना सब खराब हो जाता है, इसलिए मेकअप वगैरह नहीं करा, बस छोटी सी बिंदी सिंदूर देन लिपस्टिक और कुछ नहीं, लिपस्टिक और कुछ नहीं। और ये चप्पल कैसी लग रही है ये बताना। क्या रहा बेबी? मौत खड़ी कर दी बच्चे ने तो। क्यारन तो आज वो कर दिया, वो तो डैडी को देख कर ही है। गाइस ये लगेज देखने इतना सारा, अभी तो दो बैग उधर भी रखे, क्या रख दे बाहर को अटैच करने तो पड़ेगी। व्लॉग है आगे चलने वाले, कहाँ गई क्यारा? अब नानी की जरूरत नहीं है उसको, नाना नाना की। क्यारा भाई लग रहा है वीडियो कॉलिंग पे भी ना होंगे बात। क्यारा अब उनको खुश हो गई है। क्यारा मासी का है? ओ मासी भाई वीडियो कॉलिंग पे बात होंगे अब तो भाई। आ जाओ, बाय बाय बेटा, बाय नानी। ठंडू मन अब ले लो, लो।
अच्छा नमस्ते। अच्छे से रही हो ढंग से। बाय नन्ना। तो गाइस फाइनली हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। पूरे 5 महीने बाद हम जा रहे हैं क्यारा की दादी के घर। और क्यारा का ना पहले तो मन नहीं कर रहा था आने का, रो रही थी। बाद में उसको गाड़ी में बैठ के घूमने का बहुत शौक है। गाड़ी में आगे बैठ के तो वो सब भूल गई, इसको कुछ याद ही नहीं, बस ये याद था बैठो और चलो। और यहाँ पर हम निकल गए। तो उसके बाद ना ऐसे हम लोग पहुँचे बहुत लेट थे यहाँ पर। ना हम लोग पहुँचे थे करीब 10:30 समथिंग, क्योंकि 10 बजे समथिंग तो हम 3 बजे तो हम निकले थे, तो 10:30 बजे पहुँचे थे। और यहाँ पे ना जाम लगा हुआ था तो हम यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ मेला लग रहा था, ये माता रानी का कोई धाम था। यहाँ पे ना जात भी लगती थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। बाकी पापा जी भैया बैठे हैं और मैं बस कुछ नहीं। मेरा मन तो बड़ा अजीब सा हो रहा था, मतलब काफ़ी टाइम बाद जा रही थी ना, इसलिए मन नहीं कर रहा था जाने का। क्यारा सो गई है, क्यारा ना सोई हुई थी, शुक्र है, वरना परेशान कर देती मुझे। गाड़ी में पीछे बैठती नहीं है वो, उसको ना आगे बैठना होता। अभी थोड़ी देर बाद देखना, अभी आगे आ जाएगी अपने दादू के पास। आधे से ज़्यादा रास्ते ये बैठ के दादू के साथ आई है आगे, क्योंकि इसको पीछे नहीं बैठना। यहाँ पे जाम काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, तो बस धीरे धीरे निकल रहे थे। ये सिंगल रोड है ना, इसलिए यहाँ पे जाम लग गया था। इसी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि ये जाम काफ़ी लंबा था, वरना हम टाइम से घर पहुँच जाते, पर ये बहुत बड़ा था। और यहाँ पे हम गजरोला पहुँच गए हैं। गजरोले में एंट्री की थी। अरे मुझे बहुत अच्छा पैलेस लगता है, हमेशा ही जब मैं जाती हूँ इसको देखती हूँ, तो मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पहुँच गए अपने घर। और ये देखो क्यारा पहुँच गई है अपने दादा के पास बा फ्रंट पे। यहाँ पे ना हम ब्रिज घाट में हैं, गंगा जी पे। ये ब्रिज घाट में गंगा जी का पुल है जहाँ पे हम हैं इस टाइम। यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी बड़ा स्लो स्लो गाड़ी चली क्योंकि काफ़ी जाम था। ये देखो क्यारा बैठी है अपने दादू के साथ। इसने आगे बैठने के ना इसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी इंजॉय करती है ये। उधर गंगा जी दिख रही होंगी आपको, जय गंगा मैया की। बस ऐसे ही गाइस धीरे धीरे रुकते रुकाते हम लोग पहुँच गए अपने घर। वीडियो में बने रहें, इसकी बिल्कुल ना पक करें। वीडियो कैसी लग रही है बताना। यहाँ पे हम पहुँचे हैं शिवा ढाबे पे, क्योंकि भैया को पीनी थी चाय। मेरे को वॉमिटिंग टाइप कुछ हो रहा था, हुई तो नहीं वॉमिटिंग, बस मन हो रहा था क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था ना। पता नहीं इच्छा ही नहीं हुई यार घर से खाना खाने की, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी आने का। मेरा मन नहीं था, 1% भी मन नहीं था मेरा आने का, तो मेरा मन ही नहीं करा खाना खाने का। मम्मी बोल भी रही थी खाना खा ले खाना खा ले, सानू ने डाल के भी दिया, पर मैंने खाया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो मैं थोड़ी परेशान सी थी, इस वजह से मुझे शायद भूख नहीं लगी। फिर मुझे रास्ते में ना उल्टी आ रही थी, उल्टी हुई भी नहीं, बस मन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे पिया एक सोडा से, क्योंकि हम लोगों ने चाय यहाँ पर बहुत अच्छे से क्यारा काफ़ी इंजॉय कर रही है। दादा के साथ हम लोग बने रहे, देखते हैं क्यारा क्या देख रहे हो आप, क्या हो गया, क्या बात हो गई, हेलो किसको देख रहे हो आप। नन्नो देखो इधर क्यारा, क्यारा बेबी। हाँ दिखते नहीं, ये देखो यहाँ, यहाँ देखो पहले यहाँ, यहाँ मम्मा का बेटू सोना, क्या मम्मा का बेटू सोना बेटू।
हाँ जी ठीक जी। क्यारा क्यारा इधर देखो दादू को, इधर देखो जल्दी, इधर 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 इधर, ये देखो ये तो शिवा ढाबे से हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हमने ब्रज घाट भी पार करके फिर ये हमारा गढ़ टोल आ गया था। यहाँ पे हमने टोल दिया, नहीं टोल तो नहीं दिया, पता नहीं शायद वो चल रहा है ना फास्ट है तो उसकी वजह से फटाफट काम हो गया था, भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ा। तो उसके बाद हम निकले और हम लोग ना हापुड़ से आए थे। इस बार हम सीधा गढ़ से किठोर नहीं आए, सीधा हापुड़ गए, हापुड़ से आए फिर मेरठ। तो शायद इसलिए भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट पहुँचे। कियारा ने वैसे तो परेशान नहीं करा, लेकिन हापुड़ से, हापुड़ निकलने के बाद जब हम मेरठ वाले यहाँ पे मेरठ वाले हाईवे पे जब हम चढ़ गए थे यहाँ पे, कियारा ने परेशान करना शुरू करा क्योंकि उसे सोना था। बात हो गई, आंसू शुरू हो रहा भाई, ये अपने भैया से हो कार्तिक ने मुख सोना रखा है। इधर उधर दादी दादा है कियारा के, और ये कियारा अपने दादी दादा को देख रही है। बेटा किसको देख रहे हो आप, दादू को? वो उसका भैया मस्ती कर रहा है। तो गाइस हम पहुंचे हैं, और हम पहुंचे हैं 10:30 बजे, ये देखो 10:25। मटरू हाथ मत लगाओ बेटा, हाथ नहीं, हाथ नहीं, फिर ये रोएगी। दो दिन धुले मैंने हाथ, नहीं आपने धुले तो हैं, पर अब ये रोएगी ना जैसे अभी रोई थी, जब पहले रोई थी। नैनो ये देखो,